आई नो ब्लडी किड। अरे ये तो शीशा तोड़ के चला गया। बेबी तुम जाओ जल्दी। अब बता बच्चू कहाँ भाग के जाएगा? क्यों तोड़ा तूने गाड़ी का शीशा? मुझे पता कितना महंगा है वो। मेरी बात तो सुनो। बोल क्यों तोड़ा? सामने रुको, इसकी बात तो सुनो। ये क्या कह रहा है? मेरे साथ चलो एक बार, मेरी बात तो सुनो। हर्ष इनकी बातों में मत आना। ये लोग ना जानबूझ के गाड़ियों के आगे आते हैं ताकि ये लोगों से पैसे ऐंठ सके। तुझे मेरी गाड़ी मिली थी मरने के लिए और शीशा भी तोड़ा। भैया एक बार मेरी बात तो सुनो, मेरे साथ चलो। जहाँ तू कहेगा वहाँ चलेंगे, पहले तू ये बता शीशा क्यों तोड़ा। हर्ष हम ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, इसको ना सीधा पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं। चल सामने, अगर ये झूठ बोल रहा होगा तो इसको ले चलेंगे पुलिस स्टेशन। एक बार इसकी बात तो सुन लो। आपको मैं सब बताता हूँ, एक बार मेरे साथ चलो। हर्ष मैं तुम्हें बता रही हूँ ये झूठ बोल रहा है। अभी भी हमारे पास टाइम है, हम इसे पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं। सामने एक बार चलकर देख लेते हैं। बस भैया यही रोक दो भैया, दीदी यही रोक दो। भाई तुम ठीक हो? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। भैया मैंने इसीलिए पत्थर फेंका था, पिछले आधे घंटे से मेरा भाई ऐसे यहाँ पड़ा हुआ है। भारी होने के कारण मैं इसे उठा नहीं पा रहा था, किसी ने मदद नहीं की। आपकी गाड़ी देख के मेरे को जो अच्छा लगा मैंने किया। पागल तूने इनकी गाड़ी में पत्थर मार दिया? भैया मैंने तो रोकने के लिए पत्थर मारा था, मुझे पता नहीं था कि इनका इतना नुकसान हो जाएगा। भैया हम आपका नुकसान तो नहीं चुका सकते, आपको जो सजा देना हो वो दीजिए। हर्ष कितनी अच्छी एक्टिंग करी है, देखो इन्होंने, क्लैप तो बनती है इनके लिए। हर्ष हो गई इनकी हेल्प, चले आप। हर्ष क्या कर रहे हो तुम? नहीं। ये लोग यही चाहते हैं कि तुम इन्हें पैसे दो। भैया ये किस लिए? हमने तो आपका नुकसान किया। उस नुकसान से मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैंने क्या किया है। भाई तुम्हारे एक पत्थर ने मुझे एहसास दिला दिया कि हम इंसान हमारी ज़िंदगी में बहुत बिजी हो गए हैं, इतने बिजी कि हमें किसी और की मुसीबत दिखाई नहीं देती, जब तक कि हमारे खुद पर कोई मुसीबत ना आ जाए। मेरी आंखें खोलने के लिए शुक्रिया भाई का।